नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। आज की तारीख है 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार और आज का विचार है हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता इसलिए कोई क्रिया नहीं बल्कि एक आदत है। वी आर वॉच वी रिपीटेडली डू एक्सेलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। आइए बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, अमेरिका, फ्रांस, साल 2024 में दुनिया के 78 देशों में चुनाव। 4.2 अरब वोटर बनाएंगे नई सरकार। इंडोनेशिया और यूक्रेन में भी होंगे चुनाव अगले कम से कम 24 साल। इतने ज्यादा चुनाव एक साल में नहीं होंगे। साल 2048 में फिर से ऐसा संयोग बन सकता है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम शरीफ ने बांधे भारत की तारीफों के पुल। कहा, हमारे पड़ोसी चांद पर पहुंच गए और हम जमीन से उठ भी नहीं पाए हैं। भारत ने पापुआ न्यू गिनी को विशेष विमान से भेजी राहत सामग्री। $10 लाख की मदद का किया था ऐलान। राहत सामग्री में 11 टन आपदा से राहत के लिए सामग्री और 6 टन मेडिकल राहत सामग्री शामिल है। पुतिन को झटकर, उसके पुराने दोस्त आर्मेनिया ने भारत और फ्रांस से कर लिया हथियार खरीदने का समझौता। कोरोना का नया वेरियंट JN.1 तेजी से फैल रहा है। चीन, सिंगापुर, अमेरिका और भारत समेत करीब 40 देशों में यह पहुंच चुका है। अमेरिका CDC दुनिया को दी बड़ी चेतावनी, अस्पतालों में नहीं मिलेगी जगह। डिफेंस रिसर्च बजट भारत को ग्लोबल लीडर बनाने लायक नहीं। संसदीय कमेटी बोली, इसे दोगुना करने की जरूरत। चीन $अरबों खर्च कर रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिसर्च के क्षेत्र में हमें बजट 5.3% से बढ़ाकर 8 में से 10% के बीच ले जाना होगा। फिलहाल डिफेंस रिसर्च का जितना बजट है वो सिर्फ देश को आत्मनिर्भर बनाने या उसकी रक्षा करने के लिए ही काफी है। इससे देश ग्लोबल लीडर नहीं बन सकता। चीन की फिल्म पेस को धमकी। कहा, हिफाजत के लिए बाहरी ताकतों पर भरोसा न करें। हालात बिगड़े तो बीजिंग एक्शन जरूर लेगा। 3-3 जगहों से चुनाव लड़ेंगे जेल में बंद इमरान खान। PTI का ऐलान, दिलचस्प हुई पाकिस्तान की राजनीति। चीन में कोयले की खदान में दुर्घटना, 12 लोगों की मौत, 13 घायल। चीन में खदान दुर्घटनाएं आम है लेकिन हाल के वर्षों में इनमें मरने वालों की संख्या में कमी आई है। चीन कोयले का सबसे बड़ा निर्माता और उपयोगकर्ता है। स्वदेशी स्टील्थ टेक्नोलॉजी खामोशी के साथ थमला। UAV बनाने वाले एलिट ग्रुप में शामिल हुआ भारत। माउस फीवर के शिकार हुए रूसी सैनिक, आंखों से निकल रहा खून। ताइवान को फिर अपने साथ मिलाएगा चीन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को शी जिनपिंग की चेतावनी। बैठक में शी ने बाइडेन से कहा था कि चीन को प्राथमिकता ताइवान को बलपूर्वक नहीं बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से लेने की है। भारत की मदद से चित्राल नदी पर बांध बनाएगा अफगानिस्तान। नाराज पाकिस्तान ने तालिबान को दे दी चेतावनी। ताइवान में अगले महीने राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले चीन का एक बड़ा खेल खेल रहा है। आतंक से लड़ने का मतलब गाजा की तबाही नहीं, इसराइल के हमलों पर भड़के राष्ट्रपति मैक्रों। म्यांमार में सशस्त्र विद्रोहियों का चीनी सीमा पर एक और जगह कब्जा। चीनी राष्ट्रपति चिंतित। चीन खुलकर म्यांमार के सैन्य शासन का समर्थन कर रहा है। विद्रोहियों की सफलता से म्यांमार के सैन्य शासक और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान में पूर्व चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर ग्रेनेड से हमला। 2017 में नवाज शरीफ को ठहराया था अयोग्य। इसराइल का बदलापुर, 1200 के बदले 20,000 को मार डाला। मर रहे लोग, हमास नेताओं की मौज। IDF को आतंकी के घर से 2 सूटकेस में मिले $करोड़ों। चाइना अर्थक्वेक, पहले भूकंप और अब भीषण ठंड। प्रभावितों के लिए बन रही अस्थायी आवास इकाइयां, अब तक 135 की गई जान। टूडो बोले, पन्नू केस के बाद भारत के सुर बदले, वजह अमेरिका का सख्त रुख। मोदी ने कहा था, हम जिम्मेदारी से जांच करेंगे। कई चुनौतियों से मुकाबला कर रहे अफगानिस्तान के लोगों के साथ भारत। UNSC में बोली कंबोज। कंबोज ने कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति अभी भी चिंता का विषय है। अक्टूबर के भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बिगड़ती मानवीय स्थिति ने लोगों के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव डाला है। मिसाइल प्रक्षेपण पर UN से भिड़े अमेरिका, उत्तर कोरिया और रूस। UNSC बैठक में उत्तर कोरिया व रूस ने अमेरिकी द्वारा परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों की तैनाती की ओर इशारा किया। युद्ध विराम पर वार्ता के लिए मिस्र पहुंचे हनिये समेत हमास के नेता। लाल सागर में होते विद्रोहियों को कई ड्रोन तबाह। अमेरिकी वॉरशिप की बड़ी कामयाबी, नई तरह के मिसाइलों का किया इस्तेमाल। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अमेरिकी हिंदुओं में उत्साह। 1100 से अधिक मंदिरों में होंगे विशेष समारोह। अमेरिका व कनाडा में हर कोई इसके लिए बेहद उत्साहित है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन बोले, भारत के साथ गहरी हुई साझेदारी, क्वाड के जरिए बढ़ा सहयोग। झारखंड के हजारीबाग में दम घुटने से 4 लोगों की मौत। ठंड से राहत के लिए कमरे में कोयला जलाया था। मणिपुर में 87 कोकी समुदाय के लोगों के शवों का अंतिम संस्कार हुआ। हिंसा के चलते जान गंवाई थी। चावल होगा सस्ता, मोदी सरकार ने दिया कंपनियों को दाम घटाने का आदेश। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के तहत केंद्र सरकार गरीब परिवारों को 300 रुपये की सब्सिडी देती है। ऐसे में योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर दिल्ली में 603 रुपये में मिलेगा। अगर आप केंद्र सरकार की इस योजना के लाभार्थी हैं तो नई दिल्ली में से आपको 903 रुपये में खरीदना होगा। बाद में इस पर 300 रुपये का सब्सिडी आपके सीधे अकाउंट में भेजा जाएगा। भारत ने प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के मकसद से 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं।
हम सभी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। अपने इसी चैनल जीचल्स पे देंगे आपको अगली अपडेट। धन्यवाद।